नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सिरप वर्सेस सस्पेंशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिरप की बोतल है मेरे हाथ में, ये सिरप की बोतल है और साथ में मेरे पास ये सस्पेंशन है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये सिरप और सस्पेंशन में आखिर क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टडी करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिरप को। ये देखिए, ये सिरप आप देख सकते हैं, सिरप की बोतल में अंदर जो सिरप है, लिक्विड है, उसमें जो दवाई है वो पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। इसमें दो फेज होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, मीन्स सॉल्यूट आपकी दवाई हो गई। तो इसमें जो आपकी दवाई है वो पूरी तरह से इसमें सिरप में डिसॉल्व है, मतलब इसमें आपको शेक नहीं करना है, सीधा आपने इसमें ढक्कन खोलना है, चम्मच में लेना और पी लेना है। वो सिरप होता है, इसमें 66% शुगर होता है, चीनी होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप लोग शरबत बनाते हो शुगर का, तो उसमें आप पानी में चीनी डिसॉल्व करते हो, तो जब पानी में चीनी डिसॉल्व करते हो तो चीनी पूरी तरह से घुल जाता है। चीनी सॉल्यूट है और आपका वाटर सॉल्वेंट है, तो जब चीनी आपका पूरी तरह से घुल जाएगा तो भी एक तरह का सिरप बन जाता है। तो उसी टाइप का अपने सिरप होता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन में दो फेज़ होते हैं, एक तो सॉल्वेंट हो गया आपका, दूसरा हो गया सॉल्यूट। तो इसमें जो सॉल्यूट होता है आपका वो प्रॉपर पूरा डिसॉल्व नहीं होता है, वो नीचे देखना बॉटम पे एक लेयर बना के बैठा होता है हमेशा। तो जब भी आपने सस्पेंशन को कंज्यूम करना होता है तो आप इसको शेक करते हो। बोतल पे हमेशा लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़। क्यों? कि शेक करने से क्या होगा, आपका जो सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट में प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप इसको कंज्यूम करो। और ये जो सॉल्यूट होता है आपकी दवाई होती है, और ये दवाई इसलिए नीचे बैठी हुई होती है क्योंकि ये आपके सॉल्वेंट में प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाती है। जब भी आप कभी भी पैरासीटामॉल का सिरप लाती हो, सस्पेंशन लाती हो अपने घर में, तो आप देखना कि वो भी जो पैरासीटामॉल आपका होता है वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है, एक नीचे की लेयर बना के नीचे बैठा होता है। वो जब भी आपने अपने बच्चों को पिलाना होता है तो आप उसको हमें शेक करते हो, जब शेक करोगे तो आपका पैरासीटामॉल जो है वो क्या है, आपके सॉल्वेंट में वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा यूनिफॉर्मली, तब आप उस बच्चों को दे सकते हो। ये मेरे हाथ में इस टाइम एक O2 सस्पेंशन है, बच्चों के लूज मोशन के लिए है। इसमें भी क्या होता है कि ओफ्लोक्स और मेट्रो होता है, वो नीचे एक सेडिमेंट बना लेता है, बैठा होता है। तो बच्चों को देने से पहले ये सस्पेंशन भी आपको शेक करना पड़ेगा, शेक के बाद ही ये यूनिफॉर्म मिक्स होगा, आप उसको दे सकते हो। तो ये डिफरेंस था सिरप में और सस्पेंशन में, कि सिरप वो है जिसमें दवाई जो है आपकी सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट पूरी तरह से मिक्स है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ढक्कन खोला और पिला दो चम्मच में लेके। बट सस्पेंशन में एक ये है कि आपको शेक करना पड़ेगा, शेक करके आपकी दवाई यूनिफॉर्म मिक्स होगी, फिर आप इसको दे सकते हो, क्योंकि इसमें अनडिसॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, अनडिसॉल्व आपके सॉल्यूट होते हैं जो कि नीचे एक लेयर बना के बैठे होते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी मेरी तरफ से सिरप वर्सेस सस्पेंशन के बारे में। आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू।